गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। 7 सीट मिलने से आरजेडी नाराज दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है। आज आरजेडी अपना रुख साफ भी कर सकता है। आपको बता दें, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया है इंडिया अलायंस में, उसके तहत आरजेडी को 7 सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि आरजेडी आलाकमान जो है इससे नाराज है और आरजेडी की तरफ से ज्यादा सीटों की डिमांड की जा रही है, लेकिन संभावना यह भी है कि आज जल्द ही इस पर फैसला आरजेडी अपना सुना भी दे। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, क्या लगता है, आज आरजेडी की तरफ से सब कुछ साफ हो जाएगा? सीट का जो फॉर्मूला तय हुआ है इंडिया अलायंस में, क्या वो जो पेंच फंसता नजर आ रहा है वो पेंच ठीक हो जाएगा? जी, बता दें कि आरजेडी के द्वारा ये तमाम बातें कही गई थी कल, जैसे कि कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा कर दी जाती है। 17 सीट जो हैं वो जेएमएम और कांग्रेस में बांट दिए जाते हैं और बाकी बचे 11 सीटों में आरजेडी और वाम दलों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसमें से 7 सीट जो है वो राजद के लिए और 4 सीट जो है वाम दलों के लिए छोड़ा जाता है। हालाँकि इस मामले को लेकर आरजेडी के जो वरीय नेता हैं वो भी नाराज नजर आए, उन्हें भी मान मनोबल किया गया। राहुल गांधी भी पहुँचे थे और उसके साथ ही अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी बातचीत करके मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था। देर रात तक जो जानकारी है उसमें भी राजद नेताओं के साथ हेमंत सोरेन की वार्ता हुई है और इसमें 1-2 सीटों को लेकर जो कि अड़चन थी उसे भी जल्द दुरुस्त कर लेने की बात कही गई है। और जो दावा है वो किया जा रहा है कि आरजेडी और जो गठबंधन है उसमें अब तमाम चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त हैं। हालाँकि इस मामले को लेकर आरजेडी ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। थोड़ी देर में उनकी एक प्रेस वार्ता भी होनी है जिसमें कि तमाम चीजें, हो सकता है कि कौन कौन लोग मौजूद रहने वाले हैं उसमें, नाराजगी है या फिर ओम प्रकाश जी, इसमें अगर बात की जाए तो जो आरजेडी के अशोक जी हैं उनके द्वारा ये प्रेस वार्ता जो है वो आयोजित की जाएगी और उनके माध्यम से ही जो तमाम चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से सामने रखी जाएंगी। जो आरजेडी के प्रदेश के वरीय नेता हैं वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, तो देखना होगा कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जो तमाम चीज़ें, जो कवायदें की गई हैं, जो बातचीत की गई है वो कितनी सकारात्मक होती है, क्योंकि गठबंधन में रार तो है ही और बीजेपी ने भी इस रार का फ़ायदा उठाया और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल हैं उन पर भी जो कड़े कहा जाए तो तल्ख लहजे में उनको आड़े हाथों लिया है। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, देखिए कांग्रेस और जेएम ने आरजेडी की नाराजगी की बात को खारिज कर दिया है। कांग्रेस और जेएम का कहना है कि कोई नाराजगी की बात है ही नहीं, गठबंधन के सभी जो दल हैं वो साथ में हैं। कांग्रेस का कहना है कि आज उम्मीद है कि उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। कोई नाराजगी नहीं है, जो बातें खबरें में आ रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है देर रात मुलाकात भी हुई है तेजस्वी जी से और हेमंत जी के बीच में बातें भी हुई हैं और कहीं कोई गतिरोध नहीं है। थोड़ी 1-2 सीट पर कुछ मामले होंगे, वो सब सॉर्ट आउट कर लिया गया है और मुझे लगता है बहुत जल्द घोषणा, आज ही हो सकता है घोषणा हो जाए, आप लोगों के सामने सारी बातें आ जाएंगे। नहीं देखिए, महागठबंधन के अंदर किसी प्रकार की कोई जीत नहीं है, तमाम खाका तैयार है और आज हमारा सीसी की बैठक भी है, तमाम चीज़ों पर महागठबंधन के अंदर वार्ता हो चुकी है। आज से कल तक में तमाम सीट शेयरिंग से लेके उम्मीदवारों की घोषणा जो है संभवतः शीर्ष नेतृत्व के मोहर के बाद हम लोग भी करने का काम करेंगे। कोई नाराजगी नहीं है, राजद हमारा महागठबंधन का सबसे सशक्त और मजबूत दल है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल नहीं है, गठबंधन के तमाम दल आपस में बिखरे हुए हैं, दलों को साथ लेकर बात नहीं की जाती, झारखंड को बेचने वाले, खरीदने वाले और झारखंड मेरी लाश पर बनेगा ये कहने वाले लोग इस गठबंधन का हिस्सा हैं।
सीएनआर और 150 बीमार वाली स्थितियां यहां पे हैं, और जहां व्यक्तिगत आकांक्षा, व्यक्तिगत अभिलाषा, जन आकांक्षा पर भारी पड़ेगी, वहां ऐसी समस्या होती ही है। अब आप देखें, इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। पिछले 5 वर्ष भी इन्होंने जमकर झारखंड को लूटा। पत्थर घोटाला, खनन घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला, लैंड घोटाला, पता नहीं कितने सारे स्कैम्स हुए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन चारों दलों का आज तक नहीं बना। अब नए बार जा रहे हैं तो इस बार भी इनमें फूट हो रही है, क्योंकि इनको सबको ज्यादा सीटें चाहिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी इस बार चुनाव में 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 66 सीट पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। 2 सीटें बरहेट और टुंडी पर अभी उम्मीदवार की घोषणा बाकी है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया है। कई पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतारा है और दिग्गजों के रिश्तेदारों को भी टिकट दिया है। बीजेपी ने पोटका से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को उम्मीदवार बनाया है, और टिकट मिलने के बाद मीरा मुंडा ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया और जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी ने पोटका विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को जिम्मेवारी दी है। मैम, सबसे पहले तो न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। एक बड़ी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको कोटका विधानसभा क्षेत्र से मिली है। सबसे पहले तो मैं पूरा चुनाव समिति के सभी सदस्यगण, जो साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो प्रभारी थे, सह प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूरी टीम को मैं अपनी ओर से एक साधारण सी कार्यकर्ता को एक योग्य समझा, उसके लिए मैं सभी को आभार व्यक्त करती हूँ। अब पूरे देश में महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, और उसमें यदि इतनी सारी हमारी बहनें आज एक विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, तो इसके लिए मैं पूरे पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी। सभी जान रहे होंगे कि ये 5 साल जो सरकार बनी थी, उसमें कई तरह की ये हमेशा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, तो ये जनता देख रही है। अब पूरी तरह से नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी। और इस बीच आपको